कबों के साथ बेपना मोहब्बत के बायस आलमगीर शोहरत हासिल करने वाले साई करम इलाही अलमरूफ कांवाली सरकार गुजरात की शहर की पहचान और एक मर्द दरवेश। साई कांवाली सरकार की पैदाइश 3 अप्रैल 1838 को गुजरात शहर के अंदरून मोहल्ला कान्यावाला में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद और खानदान अराइन था। बचपन में तालीम के लिए बरिसा में बिठाया गया। मौजूदा चौक पाकिस्तान के करीब चिश्ती बादशाह के मजार के साथ एक दरसगाह थी, जहां उन्हें तालीम हासिल की। चिश्ती बादशाह के दरबार के मजावर और दर्स के मौलवी मियां नत्था आपके उस्ताद थे। तमाम उम्र मजरद रहे, कोई औलाद ना थी और ना किसी को मुरीद किया। 16 साल की उम्र में जाहरी तालीम के साथ सिलसिला मुनक़ता हुआ और मुर्शिद की तलाश शुरू कर दी। मुर्शिद चंडाला के एक बुजुर्ग इमाम शाह से सिलसिला कादरी अर्ज़ाकिया में बैत की। मुर्शिद के हुक्म से प्यादा कश्मीर और दिल्ली की सियाहत और बुजुर्ग से फैज हासिल किया और इस दौरान दरिया जहल के पुल की तामीर में टोकरी डोते और चौकीदारी का काम किया। कुछ अरसे बाद उन्हें मलामती रंग इख्तियार किया और शहर से बाहर डेरा जमा लिया। हाथों में सरकंडे के मुठ्ठे, काने और दुनिया से बेरबती, इन कानों को गिनते रहना और चरखा चलाते रहना, मरते दम तक यही मशगला रहा। आप सारा खाना कबों को खिला देते, जो इस कदर आपसे मनुष्य हो गए थे कि आपके कंधे पर आप बैठते, या आपकी वजह तस्मिया और शोहरत बन गई। बकिया तमाम उम्र वहीं गुजारी जहां आपका मजार है। 20 जुलाई 1930 बामताबक 22 सफर 1349 को वफात पाई। नमाज जनाजा पीर वलायत शाह ने पढ़ाई। मजार गुजरात से शिमाल जानिब वाक़िया है। हजरत बाबा जी साईं करम इलाही सरकार अलमरूफ कांवाली सरकार के वालिद मोहतरम का नाम हजरत मेहर गुलाम मोहम्मद, आपकी वालदा माजदा का नाम हजरत बोला बीबी। आप सरकार की विलादत बासादत मोरखा 18 अप्रैल 1838 को गुजरात शहर के मोहल्ला कान्यावाला में हुई। आपके वालिद माजिद ने दीनी तालीम के लिए शहर के एक मदरसा में दाखिल करवाया। आपने वहां से कुरान पाक हिफ्ज किया और दीनी तालीम हासिल की। ऐन आलमे शबाब में आपके वालिद मोहतरम मालिके हकीकी से जा मिले। आपने अपने भाइयों के साथ जमींदारी का काम शुरू किया। आपके भाई सारा दिन जमीनों पर काम करने के बाद शहर चले जाते, मगर आप बाबा जी जुग्गी में रहते, जहां आज आपका मजार अक्दस है। वहां सारी रात इबादत करते। जवानी के आलम में आप साईं साहब शरीयत मुहम्मदी के पाबंद थे। मामलती जिंदगी में दयानत और सदाकत को अपनाया, जो मर्द मोमन का जेवर होता है। फकीरों और दरवेशों की सोबत से आपके अफकार पर फकीरी का गलबा हुआ। जरूरत इस अमर की पेश आई कि किसी कामल वली के हाथ में बैत की जाए। आपने मुर्शिद की तलाश शुरू कर दी और थोड़े अरसे बाद 1860 में हजरत पीर सईद इमाम शाह सरकार के हाथ पर बैत की। आप साईं साहब ने सारी हयाती मुर्शिद पाक की तरफ कमर नाखी। आप साईं साहब ने मुर्शिद पाक के हुक्म पर दिल्ली और कश्मीर का सफर भी किया। तकरीबन 40 साल की उम्र में आप हालत जज़्ब में चले गए। आप आखिरी दम तक कानों पर तस्बीह करते रहे। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म से आपने सैकड़ों करामात पेश की, जिनमें से सबसे मशहूर पानी का कुआं दूध में बदल गया। आपने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया। आपको परिंदों में कौवे से सबसे ज्यादा प्यार था और हर वक्त आपके गिर्द ये कौवे जमा रहते, जिसकी वजह से आप साईं कांवाली सरकार के नाम से मशहूर हो गए थे। आप रोज अतवार 22 सफर 20 जुलाई 5 सावन 1929 को मालिके हकीकी से जा मिले। आपके मजार अक्दस पर हजारों लोग हाजिरी देते हैं। आपका सालाना उर्स हर साल सावन की पहली अतवार को अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। रिपोर्ट आकाश नियाजी, HTN खारिया।